उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित एक रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता भंडारी का शव मिल गया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने चिल्ला पावर हाउस से अंकिता का शव बरामद किया। उसके बाद अंकिता भंडारी के परिजनों को इसे लेकर सूचित किया गया और उसके परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली है। उत्तराखंड पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। अंकिता की हत्या को लेकर पौड़ी के एसएसपी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि ऋषिकेश चिल्ला मोटर मार्ग पर गंगा भोजपुर क्षेत्र में पुलकित आर्य का एक रिजॉर्ट है। इसी रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक के ही डोब श्रीकोट गाँव की रहने वाली थी। वह 18 सितंबर की रात से लापता थी और उसका कॉल न लगने पर उसके माता पिता ने रिजॉर्ट प्रबंधन से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने लड़की के परिजनों को गुमराह कर दिया। इसके बाद अंकिता के माता पिता ने 19 सितंबर को राजस्व पुलिस में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रहस्यमय तरीके से अंकिता की गुमशुदगी के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कैंपेन भी शुरू हुए। उसके बाद इस केस की गंभीरता को देखते हुए केस को लक्ष्मण झूला पुलिस थाने में सौंपा गया। पुलिस ने भी मामले में सक्रियता दिखाई और 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पूछताछ में पहले तो आरोपी टाल मटोल करते रहे और पुलिस को भी भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछने पर उन्होंने अंकिता की हत्या की बात कबूल ली। आरोपियों ने अंकिता का शव चिल्ला नहर में फेंकने की बात भी स्वीकार कर ली। पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के बयानों के आधार पर ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों को चिल्ला नहर क्षेत्र में शव को खोजने के लिए लगाया और शनिवार सुबह सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने चिल्ला पावर हाउस से एक युवती का शव बरामद किया। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य हरिद्वार के पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का पुत्र बताया जा रहा है, जो पूर्व में दर्जाधारी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।